नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगर। मैं हूं आपके साथ एकता राठौड़। चले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट का हुआ विस्तार, 15 विधायकों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया आह्वान, आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक संगठनों से भी मांगा समर्थन। रीट परीक्षा में प्रदेश भाजपा ने गहलोत सरकार को बताया असफल, कहा पारदर्शिता के साथ नहीं हुई परीक्षा, ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम बारी और उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या में शामिल था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा के वटनीरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद समेत अन्य सामग्री बरामद हुई है। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। चंडीगढ़ के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल ने ब्रह्म मोहिंद्रा के बाद शपथ ग्रहण की। बादल के तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए सीएम योगी ने गन्ने का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सीएम ने कहा कि दुनिया जब सोती है तो हमारा अन्नदाता रात्रि में, दिन की धूप में, हर मौसम हर हाल में दिन रात एक कर अन्न उत्पन्न करता है और उस अन्न से इस धरती के प्रत्येक नागरिक का पेट भरता है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच का शासन भी जनता ने देख रखा है। वो समय देश और प्रदेश के लिए अंधकार युग था। उस समय उत्तर प्रदेश की प्रगति थमसी गई थी। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी की हत्या का दावा किया है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में साक्षी महाराज ने यह बात कही है। उनके अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। वहीं इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए और सीबीआई से इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग भी की। साक्षी महाराज का कहना है कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे परम मित्र महंत नरेंद्र गिरी बहुत बहादुर थे और वह कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। मेरे द्वारा उनके सुसाइड नोट पर ही प्रश्न लगाया गया है कि यह सुसाइड नोट फर्जी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठनों ने आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मांगा है। भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि यह बंद सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। वहीं आपात प्रतिष्ठानों, सेवाओं, अस्पतालों, दवा की दुकानों, एम्बुलेंस, राहत एवं बचाव कार्य और निजी इमरजेंसी सेवा पर कोई रोक नहीं रहेगी। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 अधिकारियों ने नेपाल के मानसरोवर चोटी पर तिरंगा लहराया है। यह दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल की ऊंचाई 8163 मीटर है। फतह हासिल करने वाले दोनों ITBP के अधिकारियों कमांडेंट रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनुप कुमार ने 7 सितंबर को अपना अभियान शुरू किया था। इससे पहले भी ये दोनों अधिकारी हिमालय की कई चोटियों पर पहुंचने में सफल हो चुके हैं। रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बयान सामने आया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि रीट परीक्षा के दौरान कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अलवर, भरतपुर, सीकर, दौसा कुछ मुन्ना भाइयों द्वारा पैसे लेकर पास कराने का खेल खेला जा रहा है। रामलाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की खबरें सामने आने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार रीट परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने में असफल रही है और इसका खामियाजा उन ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही है कि प्रदेश के अंदर रीट परीक्षा के मुन्ना भाइयों ने अलवर के अंदर, दौसा के अंदर, सीकर के अंदर, बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से पैसे लेकर पास कराने का एक खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि 3-4 साल लगातार मेहनत और परिश्रम करने वाले ईमानदार विद्यार्थी, जिनके माता पिता कई वर्षों तक किराए के मकान के पैसे का वहन करना, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना
और उसके बावजूद भी इस तरीके से इस परीक्षा के अंदर जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पूरी परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने में असफल रही है और इसका खामियाजा उन ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश में रीट परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भी रीट अभ्यर्थियों को खाने के पैकेट्स बांटे। वहीं राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए रामपाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार एक साथ इतना बड़ा एग्जाम ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीट अभ्यर्थियों को दी गई सुविधाओं के लिए रामपाल शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया है। बहरोड के कमला महाविद्यालय में रीट परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। सेंटर पर पेपर देरी से पहुंचने के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद अभ्यर्थी पेपर लीक होने की बात भी कहने लगे। पेपर लीक होने की सूचना पर जिला कलेक्टर व भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी में जुट गए। साथ ही परीक्षा देने आए लोगों से समझाइश करने लगे, लेकिन परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रथम पारी का पेपर हम नहीं देंगे और हमारा पेपर दोबारा से कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।